हाय दोस्तों, अनसाई टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको अफिलेट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो ये अफिलेट अकाउंट किसका है? ये अफिलेट अकाउंट है फ्लिपकार्ट का। आप फ्लिपकार्ट से अफिलेट अकाउंट बनाए कैसे, कोई भी प्रोडक्ट बेच के उसकी कमीशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ओपन करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट जैसे आप ओपन कर लोगे, सबसे नीचे आपको जाना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मिस टूल के अंदर, यहाँ पे लिखा होगा अफिलेट प्रोग्राम। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा है अफिलेट प्रोग्राम। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको साइन अप पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड कर देना है, फिर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। और आई एग्री करने के बाद रोबोट पे जो भी बता रहा है वो चीज़ें इसे देनी है। माउंटेन इमेज बता रहा है तो माउंटेन इमेज इसे दे देनी है। फिर रजिस्टर्ड मी पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आ जाए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। फिर हमें अपनी मेल खोलनी है, क्योंकि मेल पे इसका एक्टिवेशन लिंक जाएगा जिसकी मदद से हम इसे एक्टिवेट करेंगे। तो मेल जैसे हम खोलेंगे वहाँ पे एक एक्टिवेशन सबसे ऊपर ही मेल आया हुआ होगा। तो मैं मेल खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने अपना मेल खोल चुका हूँ। और यहाँ पे आप अब आपको दिखेगा एक लिंक आया हुआ होगा सबसे शुरू में ही। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे प्रमोशन के अंदर पहले ही लिंक आया हुआ है अफिलेट का। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेंगे यहाँ से तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो चुका। तो अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले हमें इसी आईडी जो आपने बनाई है उसको लॉगिन करना है। हाँ, ये बात ध्यान रखें कि जो आपकी फ्लिपकार्ट की आईडी और इसकी आईडी वो दोनों अलग अलग होगी, यानी अफिलेट की आईडी अलग होती है और इसकी अलग होती है। तो देखिए यहाँ पे खोल लिया है और यहाँ पे नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो मैं आपको ये जो जितने भी बॉक्स आप दिख रहे हो, कॉलम दिख रहे हो, तो मैं इसको भर के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है इसके अंदर और आपको कैसे वेरीफाइड होना है इसमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है, जो भी आप कुछ भी डाल सकते हो। फर्स्ट नेम आप डाल दिया और अपने यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया। और एक ये चीज़ देखो, ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है, मतलब ये ज़रूरी है, जिस पे ये हो उसको भर देना और बाकी छोड़ देना। और यहाँ पे अपना कुछ भी फ़ोन नंबर डाल दे जो आपका पर्सनल है। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया, अगर आपके पास दो एड्रेस अवेलेबल है तो दो डाल सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पे कंट्री स्टेट पिन कोड डाल देना है। डालने के बाद सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद जैसे ये तो अकाउंट ये है, तो हमारी होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी। अब वेबसाइट, सबसे मेन बात, आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप डालोगे क्या? सबसे मेन जो बात है वो यहाँ पे आ जाती है। बंदे यहीं पे छोड़ देते हैं, अफिलेट अकाउंट नहीं बनाते कि उनके पास तो वेबसाइट नहीं है। तो एक बात देखो, यहाँ पे वेबसाइट टाइप के अंदर ये लाल रंग का निशान है, मतलब ये ज़रूरी है और ज़रूरी है। और इसको खोलेंगे तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन आता है ब्लॉग, यानी आप अपना ब्लॉग भी डाल सकते हो। और ब्लॉग आपको पता ही है, ब्लॉग कैसे बनेगा। ब्लॉगर पे जैसे आप ओपन करोगे, आप अपना जो मर्जी ब्लॉग बना सकते हो। ये सिर्फ दिखाने के लिए करना है आपको, करो। जैसे इस पे माई लाइफ का कोई ब्लॉग बना हुआ है, या तो आप न्यू ब्लॉग अपना बना सकते हो, कुछ भी टाइटल दे सकते हो और कुछ भी एड्रेस दोगे और यहाँ पे कर लोगे। तो जैसे ही अवेलेबल दे देगा और यहाँ से क्रिएट करोगे तो आपके पास ये एड्रेस आ जाएगा ब्लॉग का। तो आपको यही कॉपी करके, यही एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देना है, ऐसे ही डाल देना है और यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे मंथली विजिट जो भी डालने डाल सकते हो, सबसे लास्ट ही रखना। और यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग है, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप, इसका इसमें रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी और के थ्रू परचेज शॉपिंग करवानी है तो आप उससे सीधा लिंक बना सकते हो, ज़रूरी नहीं वो आपके ब्लॉग पे जाए और आपके ब्लॉग पे ऐड देख के ही आपकी शॉपिंग करें। आप ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप ये
कर सकते हो, ये यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, या तो सारे कैटेगरी ले सकते हो, और यहाँ पे करने के बाद सेव चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे मेन स्टेप ये था, तो हो गए दो स्टेप कंप्लीट। तो जो थर्ड स्टेप है पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे लेनी है। पेमेंट लेने से सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कंट्री जैसे ही आप सेलेक्ट कर दोगे, और अफिलिएट टाइप में दो ऑप्शन आते हैं, एक इंडिविजुअल आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप या तो एक कंपनी के लिए काम करो या एक अपने लिए काम करो। यानी अगर आप अपने लिए बना चाहते हो पर्सनल यूज के लिए, तो इंडिविजुअल पहले पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो पहले पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे पैन कार्ड पे जो आपका नेम है वो ही यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो आपका पैन कार्ड पे नेम है वो यहाँ पे आप डालोगे। और यहाँ पे वैसे पैन कार्ड का नंबर अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि ये ज़रूरी है नहीं, लेकिन आपको डाल देना चाहिए। आप इस पे पैन कार्ड डाल दो, क्योंकि बाद में पैन कार्ड मांगेगा जब आपको पेमेंट देगा। तो यहाँ पे पेमेंट मोड पे भी ऐसे ही साइन आ रहा है लाल रंग का। तो पेमेंट मोड पे आपको क्या करना है, EFT, यानी आपको EFT मतलब या तो चेक मिल सकता है आपको, इसका चेक मिल सकता है, या तो आपको सीधा बैंक ट्रांसफर में पैसे, जैसे आप EFT पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक बैंक की डिटेल मांगेगा। अगर आपको बैंक में पैसे चाहिए तो बैंक की यहाँ पे डिटेल सारी भर सकते हो, ब्रांच, स्टेट, अकाउंट नंबर, IFSC और सिटी डाल सकते हो, और हो जाएगा। अगर आपको गिफ्ट वाउचर में लेना है पैसे, तो गिफ्ट वाउचर भी दे सकते हो। अगर आप गिफ्ट वाउचर करोगे तो आपको पैन कार्ड की देना पड़ेगा, और एड्रेस प्रूफ भी अपना देना पड़ेगा। और अगर आप EFT करोगे तो ये आपको नहीं दे नहीं ये भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेन है। एक आपको क्या देना है, एक पैन कार्ड की इमेज तो ज़रूरी देनी, चाहे पैन कार्ड का आप नहीं, पैन भी देना है, क्योंकि पैन भी यहाँ पे हो चुका है। जैसे मैंने EFT किया तो यहाँ पे पैन भी जो है लाल रंग पे आ गया, मतलब ये भी ज़रूरी है। तो पैन कार्ड आपको एक इमेज देनी है, पैन कार्ड का यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी पैन कार्ड पे डिजिट है वो यहाँ पे डाल देनी है, यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है वो लिखना है। और कैंसल चेक, यानी आप कोई भी कैंसल चेक है जो ख़राब हो चुका है, मतलब कैंसल हो चुका है, वो यहाँ पे कर देना है, और यहाँ पे पैन कार्ड दे के सेव एंड अपलोड कर देना है। और फिर जो लास्ट है, लास्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है, बस ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का। अगर आपको अकाउंट बंद करना है तो यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ये जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कर भर दोगे, विद इन 7 डेज आपका अफिलेट अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो अब अफिलेट अकाउंट से कैसे क्या क्या कर सकते हो, अफिलेट अकाउंट से आप कमीशन ले सकते हो। देखिए यहाँ पे कमीशन में, जैसे मैं कमीशन का मैंने टैब खोला, यहाँ पे कमीशन में अभी यहाँ पे मेरा कोई टैब नहीं खुलेगा, क्योंकि टैब इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि अभी मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड नहीं है। तो जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ये है टैब सारे ओपन होने लग जाएंगे, और आप के पास सारा इसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा। आप जो मर्जी कर सकते हो इस पे, तो आपके पास सारा आगे कंट्रोल आ जाएगा, आपका ही पूरा लिंक आपका बन जाएगा। जैसे आपको कुछ भी लेना है, कुछ भी किसी से परचेजिंग करवानी है, तो यहाँ पे अफिलिएट टूल में जाके आप, या फिर कमीशन में जाके यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा। आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहोगे यहाँ पे लिख लिख के बाद वो प्रोडक्ट सर्च करके आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा, और वो लिंक आप किसी को भी देके, अगर वो बंदा उस लिंक से शॉपिंग करेगा तो आपको उसकी कमीशन आएगी। हाँ, और ये बात भी बता दो कि अगर आप फैशन प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस पर कम कमीशन मिलेगी। तो ऐसे आप फ्लिपकार्ट से अपना एफिलिएट अकाउंट तैयार कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको पूरा नहीं करके दिखा सकता था, क्योंकि इसमें सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो इसलिए मैंने आपको मेन मेन जो भी है स्टेप वो आपको बता दिए। अब आपको यहाँ से खुद ही क्रिएट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, वंदे मातरम।